हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की दाल, मटर की सब्जी भी कह सकते हैं इसे। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है, झटपट बन भी जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं मटर की दाल। मटर की दाल बनाने के लिए मैंने ये कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और कुकर में मैं डाल रही हूँ ये तेल। हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी एडिबल ऑयल खाते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल को मैं थोड़ा गर्म हो जाने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैंने 3 छोटे साइज की प्याज महीन महीन काट के रखी है, इसमें डाल दूंगी। जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज के टमाटर हैं। इसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। ये थोड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, इसको भी मैं पीस लूँगी। साथ में ये मैंने ली हैं 5 हरी मिर्ची और ये 7-8 कली लहसुन। इन सभी को मैं इस मिक्सर जार में डाल के पीस लूँगी। ये अदरक को मैंने रफली चॉप कर दिया है और मिर्चों को मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया है। और अब मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। प्याज भुन गए हैं और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये पेस्ट को मैं अब इसी में डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये हल्दी, इसके साथ ही डाल दे रही हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। और इन सबों को अब मैं थोड़ा भून जाने देती हूँ। और जब तक ये मसाला हमारा भुन रहा है तब तक मैं मटर को पीस के तैयार कर लेती हूँ। मैंने ली है ये मटर, 2 कप मटर इस कप से मैंने ली है। और इसको मैं इसमें डाल के और इसको ऐसे ही थोड़ा सा चला देती हूँ ताकि ये पूरी तरह से पिसे भी नहीं और थोड़े टुकड़े टुकड़े इसमें बच जाएं। मैंने मटर को इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हल्की सी पिस गई है, कुछ इसमें साबुत हैं, कुछ टुकड़े हैं। इसी तरह से मैं 2 कप मटर को पीस लूँगी। 1 कप मैंने पीस लिया है, 1 कप को और मैं इसी तरह से क्रश कर लेती हूँ। मसाला हमारा करीब करीब भून गया है, 1-2 मिनट और इसको भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से तेल को छोड़ दे। और उसके बाद मैं इसमें ये जो क्रश्ड मटर है इसको मैं ऐड कर देती हूँ। अब मैं इस मटर को इस मसाले में ऐड कर देती हूँ। मसाले हमारे पूरी तरह से मसाला हमारा पूरी तरह से भून गया है तो अब मैं इस मटर को इसमें मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करके इसको मैं कुछ देर अच्छी तरह से इसके साथ भून लेती हूँ, कम से कम 5 मिनट। मटर हमारी भुन गई है, करीब करीब 5 मिनट मैंने इसको भूना है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। मैं
जैसी भी ग्रेवी आप रखना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है, ये जिस कप से मैंने मटर ली थी उसी कप से मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है और अब मैं इसमें 1 सीटी लग जाने दूंगी। ये कुकर हमारा खुल गया है तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर में ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मैं इसमें मिला देती हूँ। ये हमारी मटर की दाल या सब्जी जो भी आप कहें बनके तैयार है और अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। मटर की दाल बनके तैयार है, आप इसको रोटी पूरी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।